गाइस, तो गाइस मैं बहुत दिन के बाद आप लोगों के साथ फिर आई हूँ। आज मैं दिखाऊंगी आप लोगों को कि मैं कैसे अपने स्टार्ट करती हूँ पूजा। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले तो मैं क्या करती हूँ, नहा के अपना कपड़ा चेंज कर लेती हूँ। तो अपना कपड़ा मैंने चेंज कर भी लिया, क्योंकि मैं हर कोई चेंज करता है नहाने के बाद। लेकिन क्या करती हूँ मैं कि अलग से पूजा के लिए अलग से एक कपड़ा रखती हूँ, मतलब नाइटी, जो मुझे बहुत जल्दी हो जाता है। सुबह सुबह और भी काम होता है तो जल्दी जल्दी करने के लिए मैं नाइटी पहन लेती हूँ। और ये मैं शाम को भी पूजा नाइटी पहन के करती हूँ और सुबह की भी, बहुत जल्दी हो जाता है। ये मैं अलग से रखती हूँ, क्योंकि हम लोग खाना वाना बनाते हैं, खाते हैं, और वही कपड़े से भगवान के पास नहीं चलती मैं, मेरे हिसाब से। तो मैं उसके लिए एक अलग से नाइटी रखा है, उसी को मैं जल्दी पहन के पूजा के पास जाती हूँ। और एक गमछा जो मैं सर पे ढक के, क्योंकि भगवान को रिस्पेक्ट करना होता है, तो ऐसे मैं उनके पास चला जाऊँगी। अब तो चलिए देखते हैं। मंदिर के दरवाज़ा, दरवाज़ा तो नहीं है, पर्दा लगा कर रखे मैंने, तो इसको मैं खोलूँगी अब थोड़ी देर के बाद। देखते जाइए अब। सबसे पहले मैंने पानी लाया, दो बाल्टी एक अच्छा, ये मैं पूजा के लिए रखूंगी इस बाल्टी में। तो मुझे ये सब पोसना पड़ेगा। तो मैं ये बर्तन सब साफ कर लूंगी अब, बाहर जो रखा है पर्दा के बाहर, तो ये सब सफाई करना पड़ेगा। और इसके बाद में ये सामने जो है ये पोसूंगी, अच्छी तरह से पोस लूंगी मैं। तो पोसना हो गया है मेरा, बर्तन भी साफ करना हो गया है। तो अब मैं दिया, मतलब अगरबत्ती जलाऊंगी। सुबह सुबह मैं अगरबत्ती ही देती हूँ, रात में धुना देती हूँ, कभी कभार देती हूँ अगर मुझे वक्त मिलता है तो। तो मुझे ऑफिस के लिए और खाना भी बनाना है, तो इसलिए मैं जल्दी जल्दी पूजा ख़त्म करती हूँ सुबह सुबह, तो इसलिए अगरबत्ती दे देती हूँ। तो इसलिए, और अपने आप को मैं शुद्ध कर लूँगी, गंगा जल बनाऊँगी, पहले खुद ही बनाती हूँ मैं। तो गंगा जल हो गया, अपने आप को मैं शुद्ध कर लेती हूँ तीन बार। तो अब मैं मंदिर की दरवाज़ा खोलूँगी, लेकिन मैं हमेशा शंख बजा कर ही खुलती हूँ, क्योंकि शंख से ही, शंख हमेशा धो के रखना चाहिए। क्योंकि हम लोग मुंह पर देते हैं, तो मुंह से तो हम लोग सब कुछ खा लेते हैं, तो इसलिए उसको धोना चाहिए। और अपने आप को मैंने शुद्धि कर लिया, शुद्धिकरण कर लिया। अब मैं दरवाजा खोलूंगी। तो मैंने दरवाज़ा खोल लिया, अब नहा दूंगी ठाकुर को। तो मैं सबसे पहले दिया बनाऊंगी ठाकुर के लिए, दिया रेडी करूंगी। दो दिया जलाती हूँ मैं हमेशा, एक मैं लक्ष्मी जी का यहाँ पर देती हूँ, और दूसरा गोपाल जो रहता है मेरा। दो आसन है एक्चुअली, दो आसन में दो देती हूँ मैं।
एक में लक्ष्मी गणेश रहता है और दूसरा में गोपाल बाबा लोकनाथ रहते हैं, भोलेनाथ रहते हैं। तो मैं दोनों के लिए दो दिया रेडी कर लेती हूँ। तो उनके उसके बाद मैं नहा लूँगी, मैं सब भगवान जी को नहा लूँगी। तो उतना डिटेल्स दिखा नहीं पाऊँगी आप लोगों को, तो जितना हो सके मैं दिखाऊँगी, नहीं तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो मेरा दिया हो गया रेडी। अब मैं यहाँ पर चावल थोड़ा था है पहले का, तो वो मैं पूस लूँगी और नया चावल जो होता है वहाँ पर दूँगी दिया के नीचे रखने के लिए। दिया के नीचे थोड़ा हमेशा मैं चावल रखती हूँ। चावल या फूल देने से भी होता है, लेकिन मेरा पास उतना फूल नहीं है, फूल नहीं मिलता अब तो। आज तो बाज़ार भी नहीं है, फूल लाना नहीं हुआ मेरा। तो जितना है मेरे पास उतना से ही मैं दे दूँगी। कहते हैं ना, भगवान में मन में जो होता है वही से चल जाता है। अगर मन में नहीं हो, पूजा भाव नहीं हो, तो बहुत ज़्यादा दिखाने से भी कुछ नहीं होता। तो मन में रहना चाहिए। चलो मैं सब भगवान को नहा दे दिया और मैं टीका लगा दूँगी। टीका लगाने के बाद ये मेरे शिव जी है, ये इनको मैं नहा दूँगी। इसको भी नहा धो के रेडी कर दूँगी मैं। बहुत ही प्यारा सा है मेरे भोलेनाथ। तो मेरा अब मैं भोलेनाथ को नहला दूँगी। तो इसके लिए मैं थोड़ा मिल्क जमा करके पहले दिन ही रखती हूँ दही जमाने के लिए। तो जो ही मेरा जम जाता है, थोड़ा सा होने से हो जाता है, मिल्क भी रखती हूँ थोड़ा। तो इसको मैं अच्छी तरह से नहला दूँगी, अच्छी तरह से पोंछ दूँगी मेरे भोले बाबा को। बहुत ही प्यारा लगता है, देखिए बहुत ही छोटा है, दूसरा दिन मैं करीब से दिखाऊंगी। तो इसको मैं और अच्छी तरह से पानी देके साफ कर दूँ। इसके बाद मैं इसको टीका लगाऊंगी। इसका नहना हो गया है अच्छी तरह नहलाना, तो मैं इसको अब टीका लगाऊंगी। बेलपत्र मेरे पास उतना होता नहीं है, तो मैं चांदी का छोटा रखा इसके लिए, तो ही दे देती हूँ मैं, क्योंकि मुझे रोज़ रोज़ बेलपत्र नहीं मिलता है यहाँ पर। तो मैं भोलेनाथ जी को नहला दे दिया, तो इसका हो गया है। अब मैं इसको टीका लगाऊंगी अच्छी तरह से। टीका लगा दिया मैंने, अब सब भगवान को भी टीका लगाऊंगी और फूल चढ़ाऊंगी। मेरे पास फूल तो उतना है नहीं, यहीं से कम चलाऊंगी, दो तीन जितना भी है वहीं से दे दूँगी। तो हो गया है मेरा फूल चढ़ाना भी। अब मैं प्रसाद देऊंगी। प्रसाद के लिए मैं दो ही प्लेट दे देती हूँ, पानी भर दे देती हूँ दो ग्लास में, और वहाँ गोपाल का वहाँ मैं पानी रखती हूँ, एक ग्लास के रख देती हूँ सारा दिन, रात के लिए सुबह वहाँ उठा लेती हूँ। और ये जो मैंने प्रसाद में दे दिया वो सब तो मैं थोड़ी देर बाद ही उठा लेती हूँ। तो ऐसा ही मैं देती हूँ, हर रोज़ करती हूँ, ये मेरा हर रोज़ की पूजा है। ऐसे मैं हर रोज़ करती हूँ, निवेदन कर देती हूँ, दही दो प्लेट में देती हूँ, तो मुझे भी संतुष्ट मिलता है, भगवान को मिलता है या नहीं पता नहीं, लेकिन मुझे जो मिलता है मैं वही करती हूँ। तो मैं प्रसाद निवेदन कर चुकी हूँ और मैं
प्रसाद निवेदन करने के बाद थोड़े देर 2 मिनट के लिए मैं बाहर चला जाती हूँ दरवाज़ा बंद करके। तो उसके बाद ही मैं 2 मिनट के बाद फिर से आके प्रसाद उठा लेती हूँ, क्योंकि भगवान का हमारे आँखों के सामने तो नहीं आएगी। हमारा मन के शांति के लिए बोल रही हूँ, बाहर जाना ज़रूरी होता है ऐसे भी निवेदन करने के बाद। तो मैं चली जाती हूँ और 2 मिनट के बाद ही आके उठा लेती हूँ। तो देखते जाइए।